हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और बारिश आ रही है। मौसम अचानक से हो गया ख़राब, तो अभी क्योंकि मुझे छत पे जैसे पूजा करके मैं जल देती हूँ सूर्य देवता को, तो सूर्य देव तो कहीं है ही नहीं, फिर भी मैं दे देती हूँ जिस दिशा में निकलते हैं। लेकिन अब बारिश शुरू होगी, तब जब बारिश बंद होगी तब जाऊँगी मैं ऊपर। फिलहाल सारा काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। और उसके बाद मैं काटूँगी सब्जी, और मुझे आज बनानी है तोरी की सब्जी। और ये तोरी है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी सी बनाऊँगी अब के लाए की। और ये कल मैंने पपीता मंगाया था, पपीते मंगाए थे खाने के लिए, मतलब डेली शाम को मैं यही खाया करूँगी। और बनाना मंगाए थे, बनाना अभिनव के लिए, और हस्बैंड जो शेक बनाता है उसमें बनाना चाहिए होता है, तो बनाना पपीता अपने लिए, बनाना इनके लिए, ये दोनों खाएंगे। और हम अब तक तोरी काटना शुरू कर देते हैं। ये हो गया है हमारा नाश्ता रेडी। और ये मैंने टिफ़िन में इसलिए डाला है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और कप में पीती तो मुझे बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम है नहीं, मुझे अभी सब्जी में बनानी है, तो इसलिए मैंने इसको टिफ़िन में डाल लिया बड़े बर्तन में। यहाँ पे मैंने सब्जी में छोंक लगा दिया है, और ये मैंने तोरी इसमें डाल दी है अभी कच्ची, इसको मैं भी थोड़ी देर भूनूंगी, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल भून के तब पानी डालती हूँ, जब ये बिल्कुल पिस जाते हैं। तो अभी मैं इसको गैस को सिम करके इसके ऊपर प्लेट रख दूँगी, फिर धीरे धीरे भूनते रहेंगे। तो भैया हम आ गए थे किचन में, तो पता ही है किचन का काम पूरे दिन ख़त्म होता ही नहीं है, तो मुझे करनी थी मलाई। बहुत दिन तक मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो आज इसको रखना था, मतलब यो सुर ठंडी रहती है, ठंडी में गर्म होती नहीं, मतलब ठंडी 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 मलाई में घी नहीं बनता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सुबह निकाल के पूरे दिन रख दूँ ताकि वो शाम तक नॉर्मल हो जाए और फटाफट दो चमचे मार के मलाई निकल जाए, क्योंकि मैं मिक्सी में नहीं करती, मिक्सी में लिस जा सारी।
और बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर मैं चमचे से हाथ से घुमा लेती हूँ तो हो जाती है ये। तो फिर मुझे लगी प्यास भैया, गर्मी इतनी हो रही है और काम करने में प्यास लग गई। फिर मैंने सोचा एक गिलास पानी पी लेती हूँ, बैठ के काम तो होता रहेगा, तो कम से कम आजकल मेरा कुछ टारगेट ज़्यादा चल रहा है पानी पीने का, 2 लीटर का, तो 2 लीटर तो फिलहाल आज मैं पी गई, लेकिन पानी तो पी रहे हैं पर उतना ही बाथरूम भी जाने हैं। लेकिन पानी पीना अच्छा होता है, सभी पिया करो, ठीक है। मैंने भी पी के पहली बार मैं पी रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा एक गिलास पानी पीती थी, लेकिन अब थोड़ा सा जुनून सवार हो रहा मुझे पानी का, तो मैं 2 लीटर पानी पी जाती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं पिया जाता भाई, कि अगर इससे ज़्यादा पियेंगे तो खाएंगे क्या, अब पानी पानी में रहेंगे हम तो। अब हम पहुँच चुके हैं अपने रूम में और देखा वहाँ पे कपड़ों का भंडार पड़ा हुआ है जो मुझे तह करना है भाई, क्योंकि मैं 2-2 दिन के इकट्ठे करके तय करती हूँ और 2-2 दिन के धुलते हैं कपड़े, और ऊपर से धूप नहीं आ रही, नीचे ही सुखाए थे, बारिश आ रही थी, 2 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है, कपड़े बिना सूख रहे, पंखे में सूख रहे हैं। वैसे मैं कंफर्ट डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि फिर बदबू हो जा कपड़ों में, तो अब बदबू नहीं, अब खुशबू है हमारे कपड़ों में। तो इनको थोड़ा सा सोफा कवर को भी सही कर देते हैं, रोज़ का काम नहीं है हमारा। और फिर आ गए हम किचन में आटा गन्ने, क्योंकि भूख भी लगती है, खाना भी खाना पड़ता है, इसलिए आटा गन्ने आ गए हम। और भैया जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दियो, कमेंट भी कर दियो, टैक्स तो लगता नहीं है। और पता ना क्यों देख के लोग भाग चले जा करते ना यार, कर दिया करो, किसी का भला तो कर दो तुम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कपड़े वॉश करे थे तो कल भी बारिश आ गई थी, तो मुझे यहाँ पे फैलाने पड़े इस कमरे में, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फैला दिए। और सुबह धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा कपड़े लेके चलती हूँ छत पे, लेकिन फिर दोबारा बारिश होने शुरू हो गई, तो इसका मतलब सही हुआ मैं लेके नहीं गई, अगर मैं चली जाती मेरे सूखे सुखाए कपड़े भीग जाते दोबारा। तो अब मैं इनकी तह बना लूँगी शाम को, क्योंकि और पंखा चला दूँगी मैं, दिन में और सूख जाएंगे, क्योंकि बरसात में ऐसे ही होता है कि बारिश होती रहती है। तो ये देखिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा भी हो रहा है, ये देखिए मस्त भी हो रहा है मौसम।